फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाजिमास किचन। कैसे आप सब लोग? आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। अभी बजे है सुबह के 9:30। अभी मैं उठी, फ्रेश हुई, फिर मैं बोली चलो आज ब्रेकफास्ट में वेज सैंडविच बनाऊँ, तो मैं आप लोगों के साथ वेज सैंडविच की रेसिपी शेयर करी हूँ कि देखिए मैं कैसी बनाती हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते। देखिए अभी थोड़ी हरी चटनी डालूँगी मैं इसमें, मेयोनीज ऐड करूंगी थोड़ा। इन दोनों को मिक्स कर लूंगी। देखिए मिक्स हो गया, अभी हम ब्रेड में इसे लगाएंगे। पूरी ब्रेड में ऐसा चटनी को पूरा कवर कर लेंगे। पूरे ब्रेड को इस तरह से बना के रेडी कर दूँ। ये पूरी चटनी को लगा के रेडी कर ली। अब इसमें वेजीज ऐड करेंगे। हम लोग कभी कभी पोहा, साबुदाना खिचड़ी, आज बेटे का सैंडविच खाने का मूड हो गया, इसके लिए इसकी फरमाइश पे आज ब्रेकफास्ट में मैं सैंडविच बना रही हूँ। चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ सैंडविच बना रही हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे आपके बच्चों की फरमाइश पे, मैंने भी बनाई अपनी बच्ची की फरमाइश पे, तो आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए अरे अरे, इसको पर हम काकड़ी रखेंगे। मैं तो इसमें कभी आलू, कैप्सिकम वो भी ऐड करते, लेकिन आज मैंने सिंपल बनाई, सिर्फ काकड़ी और टमाटो डाल के। जल्दी बनता है। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करूंगा। अरे ब्रेड है ना, इस पे से लगा लेंगे हम। ये ग्रिल पैन ली, इसमें मैं ये बटर ऐड करूंगा। इसको पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे बटर को। स्लो फ्लेम पे ही ब्रेड डाल के इसे ग्रिल करूंगी सैंडविच। देखिए एक इधर और एक इस तरफ, इसको मैं बटर लगाऊंगी। देखिए बटर लगा के रेडी रखी, जिसे स्लो फ्लेम पे ग्रिल होने देंगे। अभी ग्रिल मार के आएंगा ना, थोड़ा 2 मिनट तक ग्रिल करेंगे। अभी ग्रिल मार गएगा फिर से टर्न करूंगी मैं। देखिए मैंने टर्न करके रेडी करी, कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। फिर दूसरी तरफ भी इस तरह ही ग्रिल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सैंडविच रेडी हो गया। अभी दूसरे को भी ग्रिल करने रखी, ये भी रेडी हो जाएगा। एक तरफ मैंने चाय बना के रेडी कर ली। अभी हम इस सैंडविच को इस तरह ट्रायंगल शेप में कट लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। देखिए कट लगा के रेडी कर दी मैंने, ये देखिए तो अच्छे से। देखिए फ्रेंड, मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया। अभी हम एंजॉय करेंगे हरी चटनी और सॉस के साथ और गर्मा गर्म चाय। आप लोग भी आपकी फैमिली के साथ इस तरह एंजॉय कीजिए ब्रेकफास्ट बना के। अब मैं मिलती हूँ और एक अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी के साथ। आप लोग रखना अपना बहुत सारा ख्याल।
और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।